जो ज्वाइंट फैमिली के साथ है ना वो कहीं पे भी नहीं है। और आज जब सुपरस्टार सिंगर का स्पेशल ज्वाइंट फैमिली शो आने वाला है ना, तो हम तो लगा के बैठ गए टीवी कि कहीं एक मिनट में मिस ना हो जाए। शुभ दिन आयो, आज जॉइंट फैमिली स्पेशल हो रहा है सुपरस्टार सिंगर में। सब लोग फटाफट खाना बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ताकि बैठ सके। बस आज 8 बजे का इंतजार है। हमारी जॉइंट फैमिली बहुत मस्ती करती है और हम देखना चाहते हैं कि टीवी पे जो जॉइंट फैमिली जा रही है वो कितनी मस्ती करने वाली है। अरे भाई टीवी ऑन करो। कि इस सबसे बड़ी जॉइंट फैमिली को इंडिया की हर फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए वेलकम टू द ग्रेट इंडियन जॉइंट फैमिली सुपर स्पेशल का पार्ट 2। मोहम्मद दानिश जी, आदि भैया कौन आ रहे हैं आपकी टीम से? तो मैं अभी भेज रहा हूं अरुणा दास को। आज आपके पापा नहीं आए, हम बड़ा मिस कर रहे हैं। मैं उनको ज़्यादा मिस तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये फैमिली मतलब सुपरस्टार सिंगर 2 की फैमिली मतलब मेरे बहुत करीब हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सबका अलग अलग कैरेक्टर है। जैसे मतलब अलका मैम ना मतलब दोस्ताना फिल्म से ना वो किरण खेर जी की कैरेक्टर की टाइप है। हाँ मतलब वो हमें डांटती भी है लेकिन हमसे उतने ही ज़्यादा प्यार भी करती है। एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। एकदम छड़ी लेकर खड़ी हो जाती हैं अलका जी। जो छड़ी है ना ये मीठी वाली खिड़की के लिए है। बड़े प्यार से मारती हूँ मैं लेकिन कभी कभी जोर से मारने का दिल करता है। जावेद सर जैसे ना वो ट्यूशन टीचर्स होते हैं ना जो मतलब घर पे आते हैं घर वाले बन जाते हैं, मतलब हमें चीज़ें सिखाते हैं और सारे मम्मियों के फेवरेट हो जाते हैं और मम्मियाँ कह भी देती है ब्रेड लेते हैं ना बेटा। एचआर सर ना वो जो चाचू होते हैं ना जो बहुत कूल होते हैं, बच्चों के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं, बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं और उनके साथ सब मतलब दिल की बात बोल सकते हैं, एकदम खुल के बातें कर सकते हैं, वो कूल चाचू के जैसे एचआर सर। देखो पवन, अरुणिता को ही मैसेज कर रहा है लेकिन मैंने कभी ये बात कही। बेटा परफॉर्म आगे करो वरना पड़ जाएगी मुझे बहुत जोर से छड़ी। वेल डन। Bye.
आई तो क्या हुआ दिल वाले आई क्या बात है यार अरुणा, क्या मस्ती में गाया है आपने। हम हमेशा सरप्राइज हो जाते हैं कि आज है ना हमारी अरुणा क्या लेकर आई होगी, और आज आपने मतलब एकदम कमाल कर दिया, इतना ब्यूटीफुल परफॉर्म किया आपने। इस गाने में जो मस्ती चाहिए थी, इस गाने में जो नखरा चाहिए था, इस गाने में जो एटीट्यूड चाहिए था, वो हर चीज आपने इसमें गाई। काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल काले हैं। और मुझे सबसे खास बात इसमें लगी कि सब सारी मस्ती अपनी तरफ एक चल रही थी, लेकिन हम धीरे 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 चाहने वाले हैं, ये जगह इतनी कमाल आपने जितनी बार भी गाई है वो बहुत लाजवाब गाई है। थैंक यू सर। अरुणा, ये मैंने पहली लड़की देखी जो हर वक्त मेल सॉन्ग भी गाती है और उसको निभा लेती है अच्छी तरह। मजा आया एंड लगे रहो, चलो गुड। वेल डन अरुणा, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां अरुणा के लिए और उनके कैप्टन दानिश के लिए, जो आज दलेर मेहंदी जी का कपड़ा चुरा कर पहन चुके हैं। फैमिली तो मेरे साथ में पूरी आई है, लेकिन यहाँ बैठने को जगह नहीं थी, इसके लिए उनको बाहर रखा है। बाहर रखा है? अच्छा, पहले ये बताइए कि आप लाए क्या हैं यहाँ पे? सर, ये टिफिन लाया हूँ जी, मैं मेरे घर से बना के। अरे वाह। मैं आगरी कोली समाज से हूँ, और जब भी मैं देखू आर्य नंदा और ऋतुराज का पेट खराब होता है और वो तीखा नहीं खाते ज्यादा, और यहाँ का अपना मुंबई का खाना तीखा होता है जी। तो इसीलिए मैं मेरे घर से कम ऑयल और कम तीखा खाना, उनको मच्छी और राइस लेके आया हूँ। ओ वाओ, क्या बात है सर, हाउ स्वीट ऑफ यू। लाए आप उनके लिए हैं सर, लेकिन पानी मेरे मुंह में आ गया है। उसमें काफी सारा है, आपको भी हो जाएगा सर। क्या बात है सर, लव यू, लव यू टू, लव यू थ्री, लव यू फोर। क्या बात है। अब आपकी बाकी फैमिली को भी बुलाते हैं। मेरी फैमिली का नाम है स्वीट फैमिली, स्वीट फैमिली कमिंग, स्वीट फैमिली कमिंग। आइए स्वीट फैमिली। नानी देखी, ये हमारी परदादी है। अरे क्या बात है, परदादी जी नमस्कार। सर मुझे लगता है कि जब भी आपका परिवार फिल्म देखने जाता होगा तब पूरा थिएटर हाउसफुल होता होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार की वजह से। पहली बात, हमको इतनी टिकट मिलती नहीं सर। ये भी है, अगर एक ही साथ में 40 टिकट लेंगे तो वो लोग बोलते क्या कर, ब्लैक करने वाले। आप लोगों के यहाँ तो क्या त्योहार मनते होंगे? मतलब एक तो बात ऐसे है सर, अगर किसी के घर में शादी हो जी, तो इनविटेशन देने के लिए घबरा जाते हैं लोग। इनको बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, जब आपके घर में खाना बनता है तो खाना कौन बनाता है? सब मिलके बनाते हैं, हर किसी को काम बांटा हुआ रहता है, कोई प्याज काटेगा, कोई लहसुन छीलेगा, कोई क्या बात हर है? काम करते रहते हैं, सब काम डिवाइड होता है। क्या बात है। और सर, उसके बाद सर ये सारे बर्तन कौन साफ करता है? सब मिलके साफ। अच्छा। करते हैं। मैं पूछना चाहता था कि आपके परिवार में सब लोगों की अरेंज मैरिज ही हुई? अरेंज मैरिज ही हुई सर, लव मैरिज किसी की नहीं हुई, किसी के भी नहीं, किसी की भी लव मैरिज नहीं है। अरे वाह, तो फिर जब अरेंज मैरिज में आप लड़की देखने किसी के लिए गए थे तो फिर सब गए थे? सब लोग गए थे, उसमें से अभी एक की मंगनी हो गई है, बंटी और बबली आगे आ जाइए। बंटी और बबली भाई कहाँ हैं? है, बट जब देखने गए तो 40 आदमी एक ही घर में गए पहले? एक ही घर में गए थे, वो तो मंडप लगाया था जैसे कि शादी है। अब एक प्यारा सा गाना सुना दो। Oh,
आर्य नंदा सुपरस्टार सिंगर की टॉप फाइव में मैं तुम्हें देखता हूँ। आर्य नंदा तुमने दुनिया हिला दी। अरुणिता, आप अपने अजूबे में से किसको भेजना चाहेंगी? आदि भैया, अभी मेरी टीम से जो आ रहा है जी, उसने ऑलरेडी हमारे पूरे देश का दिल जीत लिया है। और उसको बहुत बहुत सारा प्यार मिल रहा है और आई होप वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा करेगा आगे भी। सो वो है फैज। फैज, फैज, फैज पूरी दुनिया पर छा रहा है। फैज का एक फैमिली मेंबर है जो खुश नहीं है। कौन है, कौन है? वो इनसे बहुत चल रहा है। दोनों साथ में बड़े हुए, एक ही प्लेट में खाया है, लेकिन अब सब फैज को देख रहे हैं, फैज के फैंस बन रहे हैं। क्या अब उसका कोई वजूद नहीं है? जोधपुर में दो चीजें बहुत जानी मानी जाती है, एक यहाँ की रंग बिरंगी इमारतें और दूसरा मेरा भाई फैज और मैं। जहां मैं बोल भी नहीं पाता, वहीं ये गाने गाता रहता है। हम दोनों साथ में बड़े हुए, एक ही प्लेट में खाए, साथ में सोए और सुख दुख में एक दूसरे के कंधे पर सर रख कर रोए भी। जितना हम दोनों में प्यार है, उससे भी ज्यादा हो गया है टकराव। माना इस शो में आकर बन गया है ये स्टार, लेकिन मैं भी आ रहा हूँ दोस्तों बनने यहाँ का असली सुपरस्टार। टाइगर, क्या बात है, सबको मिलेगा अब टाइगर। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुआद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुआद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ।
आपको पता भी नहीं कि आपके बारे में क्या क्या चर्चे चल रहे हैं पूरी दुनिया में, डंका बजा हुआ है आपके नाम का। मेरा दिल कहता है कि तुम एक ऐसा सितारा हो आने वाले कल का, जिसकी रोशनी पूरी दुनिया देखेगी। मोहम्मद फैज, तुम्हारी टोनल क्वालिटी इतना बड़ा वेपन है तुम्हारे पास। फैंटास्टिक, सुपर्ब, हिस्टोरिक, अनबीटेबल, अनडाउटेडली फैंटेबुलस, सुपर्ब, वेरी गुड टोनल क्वालिटी। Keep up the good work. मैं सोच रही थी शोएब जब यहाँ आया, सिर्फ एक ही बात होती रहती है शोएब को लेकर कि ये कुर्सी हिलाने आया, कुर्सी हिलाने आया, कुर्सी हिलाने आया, कुर्सी हिलने की बात होती है और कुछ नहीं। लेकिन शोएब के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। शोएब, तुम्हारे बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। मैम, दो हफ्ते से मैं शोएब को देख रहा हूँ। ये एक तो बहुत अच्छा बच्चा है और यहाँ के थोड़ा सा सलमान भाई की कुर्सी छीन लूँगा, ऐसा कर दूँगा, और बहुत हार्ड बनता है, बहुत तेज़ बनता है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल इसका उल्टा है, विपरीत है। बहुत मुश्किलों से गुजरा हुआ है ये और बचपन से ही बहुत मुश्किलें देखी हैं इसने। मैम, जो गरीब लोग होते हैं उनको मतलब लोग कुछ समझते नहीं है। अरे नहीं, दुनिया में सभी गरीब हैं। मैम, नहीं बताया आपको। मेरी वजह से, मेरी बहन दो नहीं रही मेरी वजह से दुनिया में। मैं जब पिछले सीजन में आया था तो मतलब मेरी एक बहन थी छोटी सी, एक साल की थी। तो मैम, जैसे मैं पिछले सीजन में आया था, उनके मतलब बीमारी में बहुत पैसे लग चुके थे, तो मतलब उन्हीं बातों को याद कर कर मुझे रोना आ रहा है। मैम, मम्मी के पास इतना पैसे नहीं थे क्योंकि उनकी बीमारी में लग गए थे सभी पैसे। तो मतलब मुझे कुछ देर बाद पता चला कि मेरी बहन नहीं रही दुनिया में। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में मतलब कोई पढ़ा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर मैं पढ़ा लिख कर अपने गांव के रास्ते ठीक कराऊं और मैं अपने घर के हालात ठीक करूं। ओ वाह। देखो, कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि शोएब के दिल के अंदर एक इतना छोटा सा सैड, दुखी दिल है, जो इसने ये अंदर इतना कुछ छुपा के और दबा के बैठा हुआ है। नहीं, मैं बताता नहीं था मैं। लेकिन बेटा, एक बात सुनो, एक तो तुम्हारी अपने आप को जिम्मेवार मत समझो, सब अपना अपना नसीब लेके आते हैं। वो सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। पहले तो ये बात निकालो अपने अपने दिल से और अपने दिमाग से। जिसको ऊपर वाला रखता है वो रहता है। अगर किसी को जाना होता है तो वो जाता है, चाहे तुम यहाँ आते चाहे ना आते। तुम इस सब चीज़ के जिम्मेवार नहीं हो,
तुम छोटी सी नन्ही सी जान हो, तुम्हारी जो 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 भुगतता है वो अपनी तकदीर से भुगतता है, लेकिन हाँ तुम ये कर सकते हो कि तुम अपने घर के हालात सुधार सकते हो। यस मैम, मैं ये तुम सारी दुनिया के सामने आए हो, देखो तुम्हारा अब तुम सब कुछ सब जानते हैं तुम्हें, तुम गाओगे, तुम आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, तुम पैसे भी कमाओगे, तुम नाम भी कमाओगे, तुम ब्लेसिंग्स भी कमाओगे सबकी। और जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, ये फैमिली है ना, ये जो जॉइंट फैमिली है हमारी, ये अब तुम्हारी जॉइंट फैमिली है पूरी। यस मैम। ये लो ये फैमिली, ये इस बात का कि गारंटी तुम्हें देंगे कि तुम जितना पढ़ना चाहोगे हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे सबके सब। एक्चुअली मैं भी ये बोलना चाहूँगी, मैं क्या हम सभी कैप्टन, आपको जितना पढ़ना है जहाँ भी पढ़ना है हम लोग पूरा कंट्रीब्यूशन करेंगे, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है हम पांचों मिलके आपको पूरा कोशिश कर लेंगे कि आपको कंट्रीब्यूशन कर पाए। देखो कैप्टन ने कितनी बड़ी बात बोली है, तुम इतना याद रखो कि तुम्हारा यहाँ आना सार्थक होगा। अब इसी बात पे शोएब एक प्यारा सा गाना सुना दो। वाह। वो है हम सबका लाडला और अपनी माँ का लाडला मणि। लोग कहते हैं कि ये मुफलिस है क्योंकि किस्मत ने इनसे बचपन की सारी खुशियां छीन ली, पर मैं पूछता हूं उस किस्मत से कि ऐ किस्मत, इस मासूम से छीनने की जरूरत पड़ी, क्या तू खुद इतनी गरीब है? इंडिया, हमने 3 हफ्तों में इनके सभी वीडियोस में देखा कि इट्स किस्मत वर्सेस मनी। यहां आने से पहले किस्मत ने कितना भी मनी को गिराया हो, पर सुपरस्टार सिंगर 2 के 3 राउंड्स में तो डेफिनेटली मनी ने किस्मत को नॉकआउट कर दिया है। अब तक इट्स किस्मत 0, मनी 3। तभी देश के कोने कोने से सुनाई दे रही है जिसके नाम की ध्वनि, वो नाम है माता पिता की सेवा के लिए जन्मा राजा बेटा मनी। मनी, आपको लगता है कि आपकी बहुत छोटी सी फैमिली है क्योंकि उसमें सिर्फ 3 सदस्य हैं, और बहुत अच्छा होता कि अगर आपकी बड़ी सी जॉइंट फैमिली होती, लेकिन मनी मैं आपको बता दूं कि आपकी फैमिली बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है पता है? चलिए दिखाता हूं आपको। मनी की वजह से हमारा पूरा परिवार बहुत अरसे के बाद इकट्ठा होने लगा है। इसके पापा भी जल्दी काम से आ जाते हैं, 7:30 बजे ही सारी तैयारियां करके, और एक खुशी का माहौल आ जाता है हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं। मुझे इस बात का बड़ा गर्व होता है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो जो रास्ते पर लोग खड़े होते हैं वो मुझे देख कर बातें करते हैं कि यार देखो वो जो सुपरस्टार मनी है ना, उसका ये बाप है। मनी मेरा राजा बेटा इतना समझदार है, उसे पता था कि टीवी का रिचार्ज खत्म है तो उसने मुंबई से ही रिचार्ज करवाया है टीवी को। जो मैंने अपने गुल्लक में पैसे जोड़े थे उनमें से थोड़े बहुत पैसे बचे थे तो मैं उनसे उन पैसों से मैंने रिचार्ज करवा लिया। वो इतनी दूर बैठा हुआ है और वहाँ से भी हमारा ही सोच रहा है मेरा बेटा। राजा बेटा मनी। मनी, मैं आपको बता दूं कि आपके इस प्यार ने और आपकी इस काबिलियत ने पूरे धर्म कोट को आपकी फैमिली बना दिया है। इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान को आपकी जॉइंट फैमिली का हिस्सा बना दिया है। एक बार मनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनकी आंखों में जो मासूमियत और जो प्यार है, बिल्कुल, बिल्कुल वो बहुत बहुत कम लोगों में देखने मिलता सही है। करेक्ट। ऑल द बेस्ट मनी, अच्छा गाना। ठीक है।
मिस कर रहे हो, मैं जानती हूँ मिस कर रहे हो, लेकिन तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। तुमको पता है तुम कितनी खुशी दे रहे हो अपनी माँ को? तुमने जो दिल से माँ को पुकारा है ना, तुम्हारी आवाज सीधे यहाँ से उसके पास गई होगी। मैं बड़ा से बड़ा सिंगर बनूंगा और अपनी मम्मा को काम नहीं करने दूंगा। मिस करो बेशक माँ को, लेकिन तुम रोओगे तो उसको बहुत दर्द होगा। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। और ये तुम्हारी माँ की तरफ से, मैं तुम्हें सोचो तुम्हारी माँ से आया है ये, ठीक है? मणि, तुमने आज जो गाया, ये एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो जिंदगी भर लोग याद करेंगे, जब 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 अपनी माँ को याद करेंगे। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद मिल गया है आज, जबरदस्त। मणि, तुमने तो दुनिया हिला दी। कैसे हैं दादाजी? हाँ जी, बताइए बेटा। आप वापस आए इतने हफ्तों बाद, आप ज्यादा हैंडसम हो गए। क्या खा के आए? एक तो भाई मैं प्रभु का नाम लेकर आया हूँ, इसके लिए मैंने हवन रखा था। क्या बात, और प्रभु को याद किया। जितने भी दादाजी के फैन हो, मतलब जो बने हैं, मतलब सबसे बड़ा फैन मैं मानता हूँ मैं हूँ दादाजी का। अरे वाह। क्योंकि मतलब वो हमारी फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली है और उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को एक जुट बना के रखा है। मतलब जैसे बोलते हैं कि इनसे पूछे बिना हम कोई काम नहीं करते हैं, हमारी पूरी फैमिली। मैं कहना चाहता हूँ मैं अकेला नहीं, हमारे गुरुओं ने कहा है जो एक है वो 1,25,000 के बराबर है। क्या बात? तो मैं उनके आशीर्वाद से सभी फैमिली मेरी मेरे रूप में आपके सामने खड़ी है। आपसे भी एक वादा लेना चाहता हूँ। देखो, मैंने अपने बुजुर्गों से, फोर फादर से जॉइंट फैमिली सिस्टम सीखा है, निभाया है। जब मैं जाऊँ उसके बाद भी आपसे ये वादा है कि जॉइंट फैमिली का जो है वो जैसे मैंने रखा है वैसे ही आप रखो। क्या बात, क्या बात। दादाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अपने दादू के लिए जो छोड़ सकता है बंगला, गाड़ी या कैश, चैतन्य वैश, और उनका साथ दे रहे हैं उनके कैप्टन मोहम्मद दानिश। क्या बात है?
विश्वजा और साइली, ये बहुत आसान गाना नहीं है और आपने इस गाने को आसान बना दिया यार। थैंक यू। इस गाने को गाने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, क्योंकि वो जो जगह है ना, खतुबा, ये जो जगह है ना, वो इतनी मुश्किल है ना कि इजीली आदमी फिसल सकता है, लेकिन आपने इतनी खूबसूरती से ये गाने को गाया। विश्वजा, तुमने अरुणिता अपने अजूबे से किसको भेजना चाहेंगे ताकि सामने वाली टीम नाक से छने छबाने लगे? अभी मेरे टीम से जो आने वाले हैं, जो मैदान पे उतरेंगे, वो सिर्फ अपने दिल से और गले से नहीं, अपने चेहरे से भी गाते हैं। वाओ, हमारे छोटे किशोर कुमार जी, रोहन दास। रोहन, एचआर सर, कहाँ हो? आ रहा हूँ, जल्दी आओ। ये क्या पहन के आ गया? क्या करता है ये लड़का? रोहन। हाँ, कैसे हो? अच्छा हूँ। पक्का ना? हाँ। हाय हाय। रोहन। क्या सर? देखो रोहन, किशोरदा का अलग रूप धारण किया है प्रभु। थैंक यू सर, क्योंकि
आज मैं चिल चिल चिल्ला के ये गाना गाने वाला हूँ और वीडियो में देखा था कि ऐसे ही कपड़े पहने थे किशोर दा ने। लेकिन बेटा उन्होंने तो रेड कलर की शर्ट पहनी थी, तुमने येलो कैसे कर ली? हमने देखा एक खेल सस्ते में। अरे क्या बेटा क्या? चील चील चिल्ला के कजरी सुना, झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए, इधर आओ, इधर आओ। थैंक यू। एक मिनट, फिर से छेड़ा मुझे। मैं तुम्हें एक लाइन में पूछ सकता हूँ, तुम क्या हो? क्या हो? मैं चीज बड़ा हूँ, मस्त मस्त। जो तुम कर रहे हो वो एक बहुत ही ह्यूमरस एक्ट है, लेकिन उसे करना बहुत ही बड़ा आर्ट है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो उसमें मैं जेन्युइनली ये बात अपने नॉलेज के लिए जानना चाहता हूँ, रिहर्सल्स में एग्जैक्टली जो तुमने अभी किया
वो ही करते हो या रिहर्सल्स में तुम कुछ प्लान करते हो? सर स्टेज पे जैसे इसने गाया ना, हाँ। रिहर्सल्स पे और जब भी हमने प्रैक्टिस किया उसने सेम ऐसे ही किया है। Oh और वो मिरर के सामने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करता है। अनबिलीवेबल। बोल 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 पोटैटो। बोल 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 पोटैटो। तो तुम छुपाए हैं चिरंगे या नहीं? मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हो गया हूं रोहन, हैट्स ऑफ यार, रियली बहुत अच्छे रोहन। रोहन के लिए एक बार जोरदार तालियां और टीम अरुणिता के लिए जोरदार तालियां। पिछले हफ्ते की तरह जजेस देंगे 5 मेडल्स उनके चुने हुए 5 बेहतरीन परफॉर्मर्स को। 2 हफ्तों बाद जिस बच्चे के पास होंगे सबसे ज्यादा मेडल्स वो वकाओ वकाओ चिल्लाएगा। तो जजेस बताइए इस हफ्ते किसके शिष्यों ने दी है सबसे प्योरेस्ट परफॉर्मेंसेस जिनके गाने सुनकर हम सभी का मूड डिटॉक्स हो गया। और आज टीम ऑफ द वीक है सलमान अली के सुल्तान। सलमान के सब तीनों कंटेस्टेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंक्लूडिंग सलमान ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। टीम ऑफ द वीक के लिए एक बार जोरदार ताली। तो जजेस कौन है वो 5 नाम प्लीज हमें बताएं। पहला नाम है पवनदीप के पटाखों से प्रांजल विश्वास। नेक्स्ट नेम है जिसको मेडल मिला है दानिश के दबंग से आर्य नंदा बाबू। और नेक्स्ट जो नाम है वो है सलमान के सुल्तान से मणि। चौथा नाम है अरुणिता के अजूबों से शायंतनी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइली के सोल्जर्स से जिन्होंने खतूबा गाकर सबको हिला दिया यानी कि विश्वजा। जोरदार तालियां। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।